नमस्कार साथियों, आज आपके साथ दोबारा जुड़ रही हूं क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग के बारे में बहुत सारी टिप्पणियां करी हैं, उनके बारे में डिटेल में आपको पढ़कर बताऊंगी। और दूसरा जो विषय है, पीएम केयर्स फंड के बारे में हम सवाल करते रहे हैं। अब नींद से जागकर मोदी सरकार, मोदी जी, क्योंकि सब कुछ केंद्रित है केवल और केवल एक व्यक्ति पर, मोदी, नरेंद्र मोदी। तो जब गलत होगा तो उसकी जिम्मेदारी भी उन्हीं के ऊपर आएगी। आज आपको बता दूं कि किस तरह से चुनावों पर अदालत जो है वो सख्त होनी शुरू हुई है, और सबसे पहली चीज जो आई है वो आई है मद्रास हाई कोर्ट से। मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाई है, ये कहा है कि आपकी वजह से कोरोना की दूसरी लहर आई है, आप पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, ये बात कही गई है। हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त एक अभी रिटायर हुए हैं, मोदी जी के खास थे वो पहले, उसके बाद वो चुनाव आयुक्त बन गए, तो फिर वो इंडिपेंडेंट हो गए। हजम होती है कुछ, और वही करते रहे जो मोदी जी चाहते थे। सवाल नहीं उठाए उसकी निष्पक्षता पे, सवाल बिल्कुल ना उठाए। देश में किसी की भी निष्पक्षता पे सवाल मत उठाइए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये बात कहते हैं, डांट लगाते हैं दुष्यंत दवे जी को, क्योंकि वे चुनाव आयोग, जैसे हम चुनाव आयोग की बात आज कर रहे हैं वैसे सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। आपको याद है पिछले साल जब सड़कों पे लोग थे, तो सरकार के सरकारी वकील तुषार मेहता, जो केवल झूठ बोलते हैं, उन्होंने कहा कि सड़कों पे कोई नहीं है, हमें दिख नहीं रहा था, और जस्टिसेस को ये सब दिख नहीं रहा था, तो उनकी निष्पक्षता कौन सी निष्पक्षता। अब आ जाते हैं चुनाव आयोग पे, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे जब सवाल उठ रहे हैं तो उसमें बवाल कैसा, और निष्पक्षता पे सवाल क्यों नहीं उठेंगे। सुशील चंद्रा मुख्य चुनाव आयुक्त है, राजीव कुमार वो दूसरे वाले चुनाव आयुक्त है, और मद्रास हाई कोर्ट ने जो बात कही है, मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि वो क्या कहेंगे। उन्होंने कहा जब चुनावी रैलियां हो रही थी तब आप दूसरे ग्रह पर थे क्या, वर यू ऑन अनदर प्लैनेट। बिना सोशल डिस्टेंसिंग के चुनावी रैलियां होती रही, चुनाव आयोग के अफसरों पर तो संभवतः हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, ऐसा कहा मद्रास हाई कोर्ट ने आज। इसलिए जो बात आप बार बार कहते हैं, भले ही सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा जो है लोगों को नहीं रह गया, और उसकी जिम्मेदारी ही सुप्रीम कोर्ट पर है, सुप्रीम कोर्ट को यह समझना पड़ेगा अगर देश के लोग आप पर सवाल उठा रहे हैं तो केवल दुष्यंत दवे नहीं है, लोगों को भरोसा आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि यू नेवर कम टू द रेस्क्यू ऑफ द पीपल। आप इधर उधर वाले केसेस में कोई एक अच्छा सा ऑर्डर देते हैं, हम उसका स्वागत कर लेंगे, मगर जहां पे प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम आएगा, जहां पर उनकी सरकार की बात होगी, जहां भाजपा का नाम आएगा, वहां पे आपकी निष्पक्षता कहाँ चली जाती है। ये तो माननीय उच्चतम न्यायालय को समझना पड़ेगा, माननीय उच्चतम न्यायालय की साख पर भट्टा कौन बैठा रहा है, क्यों लोग सवाल कर रहे हैं इसके बारे में, माननीय उच्चतम न्यायालय में बैठे हुए विद्वान न्यायाधीशों को सोचना पड़ेगा। अब देखिए, कोरोना के जिस तरह से बिगड़ते हालात हैं वो आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं, वो कोई छुपे हुए तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कुछ नया वाला हो रहा है। बिल्कुल, आप जितेंद्र भावसार जी आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की सजा तय होनी चाहिए, ये काम माननीय न्यायालय को ही करना होगा। बिल्कुल, जिस तरह से लोग अपने परिजनों को खो रहे हैं, मोदी जी अपनी शॉल पहन के फोटो खिंचाते हैं, अपनी तस्वीरें, बताइए शर्म नहीं आती। आज मुझे आप लोग एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी कहते हैं और भाजपा कहती है कि देश में फेडरल स्ट्रक्चर है, जिसको हम कहते हैं आपने कमजोर किया। अगर फेडरल स्ट्रक्चर है तो मेरी तो एक सिंपल सी बात यह है कि आपकी तस्वीर कोविड वैक्सीन की सर्टिफिकेट पे क्यों है। आप कह रहे हैं कि जो राज्य सरकारें हैं वो वैक्सीन दिलवाएगी, अब वो महंगी वैक्सीन उनको बेची जा रही है, लेकिन आपकी सरकार मुंह बैठी ताक रही है, मोदी सरकार ताक रही है और केवल लोगों को मरते हुए देख रही है, क्योंकि कुछ करने के लायक नहीं, अक्षम में है, हेल्पलेस भी है, होपलेस भी है। मैंने कहा था ना कि जब ये जाएंगे तो सदा के लिए जाएंगे, पर ये नहीं पता था कि ऐसा करके जाएंगे देश में। और देखिए, मैं आपको और भी मित्रों, आपने मैसेज भेजे हैं, मैं जरूर आज पढ़ना चाहूंगी।
मनोज तिवारी जी, मैं ठीक हूँ, आप लोग सुरक्षित रहिए। अदनान जी, सईद जी, बिल्कुल सही किया हाईकोर्ट ने, तिवारी जी कह रहे हैं। जगवीर कुमार यादव जी कह रहे हैं गुड, आरिश जी गुड, मुकेश चौधरी जी गुड कह रहे हैं, कोठा पेठा जी कह रहे हैं यह सही जवाब बहन। और ये तो मतलब तुम्हारे बारे में तो बात करना बेकार है। क्या हम जनता, सरकार और प्रशासन या चुनाव आयोग के खिलाफ केस दर्ज कर सकते हैं कोरोना फैलाने के लिए, या ऑक्सीजन का ठीक से प्रबंधन ना करने के लिए? आज नहीं तो कल इस चीज की जवाबदेही तो तय कर ही जानी चाहिए, लेकिन इस वक्त जो मुद्दा है वो लोगों के जीवन को बचाने का है, इसलिए इस वक्त तो हम सबको साथ आना पड़ेगा ताकि हम लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए अपनी सरकार पर दबाव बनाते रहे, ताकि क्योंकि कैपेबल नहीं है ना, मोदी जी कुछ आता वाता तो है नहीं, वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए करते हैं, काम करना कुछ आता नहीं है, कहते हैं ना कि मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं, भी अनपढ़ गंवार को अगर बैठाओगे प्रधानमंत्री की कुर्सी पे तो यही होगा, अहंकार से डूबा एक प्रधानमंत्री जिसे शर्म नहीं आती, जो अपनी तस्वीरों को हर जगह डलवाता है, मगर उसको इतनी शर्म नहीं आती कि जब वो ये कह रहा है कि राज्य सरकारें अपने स्तर पर लोगों की वैक्सीन कराए, तो तुम्हारी फोटो क्यों है मोदी जी? अपनी फोटो को हटवाओ वहां से, मेरे देश में प्रधानमंत्री नहीं है इस वक्त, इस वक्त प्रचार मंत्री, परिधान मंत्री, वो भी भारतीय जनता पार्टी का, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मुझे वैसे भी आप आपसे दिक्कत शुरू से है, क्योंकि मुझे पता था कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होगी, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, लोग इतने परेशान करेंगे आप लोगों को कि जानों पे खेल जाएंगे आप। आपने तो पूरे हिंदुस्तान में कब्रिस्तान के लिए एक शमशान बनाना था, देश को विभाजित करते करते आपने ये क्या कर डाला, आपने पूरे देश को शमशान घाट बना दिया मोदी जी। बिहार में वैक्सीन फ्री बोला था, गणेश जी बोल रहे हैं, आपको शायद ये नहीं पता कि इन्होंने ना केवल बिहार में परंतु बंगाल में भी ये बात कह दी है अभी कुछ 2-4 दिन पहले, हम फ्री में वैक्सीन नहीं। मतलब बेशरम भाजपा, बेशरम की पराकाष्ठा है भाजपा, नीच है भाजपा। और नीच कहा था मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री जी को, कुछ गलत नहीं कहा था। ठाकुर सतीश कुमार ठाकुर जी नमस्कार, आप कह रहे हैं जय हो। हेमंत कुमार गौतम जी आप कह रहे हैं अब देश जवाब मांगेगा, साल भर सबकी मौत का रास्ता निहार रही थी सरकारें, सत्ता केवल मटरगश्ती का अड्डा है, सरकार जीवित जन से माफी मांगे व इस्तीफा देकर गद्दी छोड़े। सुप्रीम कोर्ट ने जन की जान इतनी सस्ती नहीं, ऐसी ना जन की जान इतनी सस्ती नहीं, जनता सब कुछ भूल जाती है कभी कभी। जैसी चौधरी जी कह रहे हैं गुड, और अबे चलना तू, तेरा तुम जैसों का तुम नाम भी नहीं लेने के। रजा जी गुड, परवीन पुरोहित नाम ले लिया, हाँ क्यों, तेरा वो जो आका है बदतमीज कहीं का बैठा हुआ है, रोज नई नई शॉले पहनकर फोटो खिंचाता है, बेशरम अपनी फोटो डलवाता है कोविड की सर्टिफिकेट पे, मुझे ये बता दे कि वो क्या कर रहा है, बैठा हुआ है ना कुर्सी पर, और देखना कि क्या हाल होगा उसका। पीएम फंड के बारे में क्यों कोई पूछता नहीं, अब मैं आपको पीएम फंड के बारे में भी बताऊंगी। पहली बार 7 वर्ष में न्यायालय ने एक जबरदस्त व्यवस्था दी। हाँ अरोड़ा जी, एमपी खन्ना जी कह रहे हैं अरोड़ा जी मालपानी लेके रफू चक्कर हो लिए, बिल्कुल जो जो पिछले चुनाव आयुक्त थे उनकी बात कर रहे हैं। नरेश मनाना जी नमस्कार, पीएम फंड के बारे में अभी बताती हूँ। अरे कुछ तो शर्म करो भाई, तुम्हें कुछ शर्म आती है नहीं, देश में लोग मर रहे हैं। नवीन सिंह पयाल जी नमस्कार, हाँ सही कह रहे हैं आप नरेश मनाना जी, निर्लज्ज और बेशर्म लोगों को कितना भी और कुछ भी कह लो, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको 2 रुपए के ट्वीट से मतलब ही नहीं, किसी की जान से मतलब नहीं है। खैर जान तो जब जाएगी तो पता नहीं किस किस की जाएगी और किस किस पर क्या विपदा आएगी, ये हमने देख लिया है। हाँ
क्या है, दान और भंडारे पर पलने वाले अनाथालय की औलाद, गद्दार भड़वा संगी है तू, कोई कह रहा है किसी को, क्योंकि वो पप्पू पप्पू कर रहा था। पप्पू तो तेरा वाला है, समझा, तेरा वो जो पप्पू है ना, गपास्टिक गप्पू पप्पू बेशरम, कुर्सी से उतरेगा नहीं, मगर उतार के फेंकेंगे, अब मार के फेंकेंगे उसको, पीट पीट के फेंकेंगे। रविंद्र यादव जी नमस्कार, बिल्कुल बेशर्मी फेंकू और उसके लंपट अंधभक्त, जैसे कोई बड़ा फर्क पड़ता है, सामने आ जाए तो इनको ना चप्पल से मारू मैं। नवीन जी अंधे है ना, तो अंधे नहीं है ये घटिया है, इनके अंदर नफरत भरी है। मेरे नेता राहुल गांधी जी ने एक दिन मुझे ये बात, मतलब और भी लोग थे, ये बात कही कि इनके अंदर गुस्सा रहता है। ये बात तो मैं भी आपको कहती हूँ कि इनके अंदर हमेशा गुस्सा रहता है, चंद भक्तों का, जब कोई अपना मरेगा इन्हें तभी दर्द होगा। आप कह रहे हैं निजाम सैफी जी, पीएम ही हमारी कोविड में मरने वालों का जिम्मेदार, सुधीर गायकवाड़ जी कह रहे हैं। तू आता क्यों है देखने के लिए, सुन बे ये बता दे, तू आता क्यों है यहाँ पे देखने के लिए, आएगा भी सुनेगा भी और अपने पैसे इकट्ठे भी करेगा, कमेंट करेगा, एक एक कमेंट के 2-2 रुपए। दाढ़ी बढ़ाने से कोई रविंद्र टैगोर नहीं बनता, हाँ बिल्कुल। और हाँ पप्पू से खतरनाक खतरनाक मौत का सौदागर है ये, मौत का सौदागर। हाँ सरकार से सिस्टम पर आ गए, क्या सिस्टम सरकार के ऊपर होता है या अधीन, सरकार ही जवाबदेह है। बलदेव तोमर जी कह रहे हैं मोदी और अनबक पुट इंडिया इन दिस सिचुएशन। राजी अहमद जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज कोरोना के जो बिगड़ते हालात है उसके बीच में अब मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग के लिए क्या कहा है। चीफ जस्टिस ने यहां तक कह दिया कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। उन्होंने आयोग को चेतावनी दी कि 2 मई को काउंटिंग के दिन के लिए कोविड प्रोटोकॉल बनाए जाए और उनका पालन हो। ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि हम काउंटिंग के शेड्यूल को रोकने पर मजबूर हो जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट नहीं कर पाया, मद्रास हाई कोर्ट कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट दखलअंदाजी करने की कोशिश कर रहा था इसके पहले भी, आपको याद होगा जब ऑक्सीजन की समस्या को लेकर हाई कोर्ट जो है अपना हियरिंग कर रही थी और डायरेक्शंस दे रही थी। मद्रास हाई कोर्ट तमिलनाडु की करूर विधानसभा सीट पर होने वाली काउंटिंग को लेकर एक पिटीशन दायर की गई थी और उसमें ये कहा गया था कि विधानसभा सीट पर 77 उम्मीदवार हैं, इसलिए 2 मई को काउंटिंग के दिन वहां कोविड प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए, ये पिटिशनर ने कहा था। भाई उन्होंने एक बड़ी बड़ी मतलब महत्वपूर्ण बात करी, उन्होंने चुनाव आयोग को कहा कि जब रैलियां हो रही थी तो आप क्या दूसरे ग्रह पे थे, व्हेन रैलीज वर हैपनिंग वर यू ऑन अनदर प्लैनेट। और सुनवाई के समय जस्टिस संजीव बैनर्जी बहुत नाराज हुए, उन्होंने चुनाव आयोग से ना केवल ये पूछा कि व्हेन द रैलीज वर हैपनिंग वर यू ऑन अनदर प्लैनेट, उन्होंने कहा रैलियों के दौरान जो कोविड को का प्रोटोकॉल है वो टूट रहा था और आप उसको रोक नहीं रहे थे, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के चुनावी रैली होती रही और आज के हालात के लिए आप जिम्मेदार है, आपकी संस्था जिम्मेदार है, कोरोना की दूसरी लहर के लिए उन्होंने चुनाव आयोग को जिम्मेदार बताया। चुनाव आयोग के अफसरों पर तो संभवतः पॉसिबली हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, ऐसा मद्रास हाई कोर्ट ने कहा। अब इस मामले में अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें हस्तक्षेप करके मद्रास हाई कोर्ट की आवाज को बंद करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा आज देश के हर हाई कोर्ट पे देश के नागरिकों को भरोसा है, केवल भाजपाइयों को भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पर, और सुप्रीम कोर्ट इस बात को समझ ले। काउंटिंग को लेकर हाई कोर्ट ने 6 टिप्पणियां करी, क्या है ये टिप्पणियां, पहली बात आप सुनिश्चित करिए कि काउंटिंग के दिन कोविड प्रोटोकॉल पर जो है वो अमल होगा, उसका पालन होगा। दूसरी बात, किसी भी हालत में किसी भी कीमत पर राजनीतिक या ए पॉलिटिकल गैर राजनीतिक वजह से काउंटिंग का दिन
कोरोना के मामलों को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार नहीं होना चाहिए, उस दिन ज्यादा केसेस नहीं होने चाहिए। और तीसरी बात, या तो काउंटिंग तरीके से हो या फिर आप उसे टाल दें। मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई गलत होगा अगर काउंटिंग को टाल दिया जाए, ऐसी मारामारी की कोई जरूरत है नहीं। भाजपा को जरूरत है क्योंकि भाजपा तो चाहती है कि अभी वो जो पूरा पैसा सब कुछ इस्तेमाल कर रही है इस वक्त, केवल सरकार हर जगह होती है, चुनाव आयोग हर जगह, चुनाव आयोग उनके कंट्रोल में है इसलिए वो मैनिपुलेट कर सकती है, आप जानते हैं। और चौथी बात जो चुनाव आयोग ने कही, वो कहा कि लोगों की सेहत जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अहम है। ये बात परेशान करती है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उसको ये बात हमें याद दिलानी पड़ रही है। पांचवी बात, जब सिटीजन जिंदा रहेंगे, जब नागरिक जिंदा रहेंगे, तभी वे उन अधिकारों का इस्तेमाल कर पाएंगे जो उन्हें इस लोकतांत्रिक गणराज्य में मिले हैं। जो अधिकार आपको मिले आप तभी तो इस्तेमाल कर पाएंगे जब आप जिंदा रहेंगे। और छठी बात जो उन्होंने कही वो ये कि आज के हालात जिंदा रहने और लोगों को बचाए रखने के लिए है, दूसरी सारी चीजें इसके बाद आती है। ये बात कही आज माननीय उच्च न्यायालय मद्रास हाई कोर्ट ने। जी, बहुत सारी बातें आप लोग कह रहे हैं, इस वीडियो को शेयर भी करते रहिए क्योंकि इस वक्त आपको पता है रविशंकर प्रसाद जी ने ट्विटर को और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लिख कर दिया है कि वीडियोस जो है या हमारी पोस्ट जो है वो ज्यादा लोगों के पास तक ना जाए, मोदी देश बेच रहा है, प्रमोद वशिष्ठ जी कह रहे हैं। लेकिन मैंने आपको जो बात कही है इस बात को आप याद रखिएगा कि मद्रास हाई कोर्ट ने कौन सी छह बातें कही है, छह टिप्पणियां करी है। कहा है कि पहली बात, इसे सुनिश्चित करिए कि काउंटिंग के दिन कोविड प्रोटोकॉल पर अमल हो। दूसरी, किसी भी कीमत पर राजनीतिक या गैर राजनीतिक कारणों से काउंटिंग वाले दिन कोविड के नंबर्स बढ़ने नहीं चाहिए, उस मतलब उसके लिए ये नहीं होना चाहिए कि काउंटिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नंबर्स इंक्रीजिंग, काउंटिंग की वजह से नंबर्स बढ़े ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, या तो काउंटिंग को ढंग से कराइए या फिर उन्हें टाल दीजिए। चौथी बात, लोगों की सेहत सबसे अहम है। पांचवी बात, और नहीं और ये भी कि लोगों की सेहत सबसे अहम है, और ये बात हमें परेशान करती है कि एडमिनिस्ट्रेशन को हम ही याद दिलाना पड़ रहा है। और पांचवी बात, जब नागरिक जिंदा रहेंगे तभी तो वो अपने अधिकारों का पालन इस्तेमाल कर पाएंगे जो उन्हें इस डेमोक्रेटिक व्यवस्था में मिली हुई है, लोकतांत्रिक गणराज्य में मिले, इस रिपब्लिक में मिले हुए हैं। और छठी बात, आज के हालात जिंदा रहने और लोगों को बचाए रखने के लिए है, दूसरी सारी चीजें इसके बाद आती है, ऐसा कहा आज चुनाव आयोग ने। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर 2 मई के लिए सही प्लान नहीं बनाया गया, उसे लागू नहीं किया गया, तो वे काउंटिंग को रोक देंगे। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि चुनाव आयोग जागेगा। पूरे देश में आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से इसकी जो ये दूसरी लहर आई है, हाहाकार मचा हुआ है। और अगर जस्टिस संजीव बैनर्जी की नाराजगी को हम देखें तो ये नाराजगी आप में और मुझ में भी है। और जिस प्रकार से उन्होंने कड़ी चेतावनी दी है, मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि माननीय उच्चतम न्यायालय इसमें बीच में आकर उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करेगा। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं कि वो हेल्थ सेक्रेटरी के साथ मिलकर एक प्लान बना ले और काउंटिंग डे की तैयारी करे। हाई कोर्ट ने 30 अप्रैल तक ये प्लान बनवाने को कहा है, जब अगली सुनवाई होगी इसी मामले में। तो ये सारी चीजें थी। और इसके अलावा आप जानते हैं कि आ, आ, 5 राज्यों में चुनाव हैं, 4 राज्यों में चुनाव खत्म हो चुके हैं। बंगाल में अभी आज एक फेज का चुनाव खत्म हुआ और एक फेज और रह गया है। और चुनावी राज्य जो है उसमें पहले आप चुनाव करा लीजिए, उसके बाद वहां पे पाबंदियां लगा दीजिए। मतलब आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और पूरे देश की अगर हम बात करें तो हर रोज अब देश में 3.5 लाख के करीब मामले आ रहे हैं। आप 3 लाख के हिसाब से अगर 5 दिन भी लगा लीजिए या 4 दिन भी, तो आप सोच लीजिए कि कितने केसेस हो गए हैं, 12, 15 ऐसे ही बढ़ेंगे। मैंने
अभी 10 दिन पहले एक टीवी चैनल पे ये बात कही थी कि आप देख लीजिएगा कि इस महीने के अंत तक 5 लाख केसेस हो जाएंगे पर डे। और आपने देखा कि ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन की कमी किस तरह, जब हालात इतने बेकाबू हो गए, दिल्ली से लेकर बैंगलोर तक, मुंबई में, लखनऊ में, कोलकाता, सब जगह बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन की किल्लत है, वहां पे लोग मर रहे हैं, जगह जगह पर हम देख रहे हैं कि कितने बुरे हालात हो गए हैं। लेकिन इसी के बीच में आपको बता दूं कि ऑक्सीजन की जो कमी है, इसके लिए 162 ऑक्सीजन प्लांट्स, पीएसए प्लांट, आपको याद है प्रधानमंत्री ने एक दिन कहा था किसी एक प्राइम मिनिस्टर से बात करते हुए, वर्चुअल रैली करते हुए ये कहा था कि किस प्रकार से, सही कह रहे हैं आप प्रमोद बशीर जी, ये तो प्रूव हो गया। बिल्कुल अच्छा, तो मैं आपको जो बात बता रही थी, बिल्कुल अजीब प्राणी हो, लोग मर रहे हैं, मौत के सौदागरों की दलाली कर रहे हो, आप सही कह रहे हैं। और इस एक आदमी के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई, ये एक आदमी जो है इसने सत्यानाश कर दिया देश का। खुद तो अनपढ़ है, तुम भी अनपढ़ हो क्या, खुद पढ़ा लिखा नहीं है, जिंदगी भर भीख मांगता रहा और हम सबको भी भिखारी बना रहा है, पूरे देश को भिखारी बना दिया। पिछले साल क्या बक रहा था, कह रहा था कि हमने कोविड का की जंग जीत ली, पूरी दुनिया में हम सबसे आगे हैं, भाजपाई बेशरम भाजपाई, ये बात बोल रहे थे जगह जगह आकर कि हम तो दूसरे देखो जो विकसित देश है उनसे भी बेहतर कंडीशन में। आज क्या हुआ भाई, खैर 162 पीएसए प्लांट्स लगाने की बात हो रही थी, प्रधानमंत्री ने कहा था आपने कभी ये नहीं सोचा कि हवा में से ऑक्सीजन कैसे निकाल के इस्तेमाल करें, मतलब कोई बुड़बक ही होगा जिसको ये नहीं पता होगा कि जो मेडिकल ऑक्सीजन होता है या इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन होता है वो हवा में से ही निकाला जाता है भाई, हवा के ही ऑक्सीजन को बहुत जिसे कहते हैं बहुत ठंडा करा जाता है और फिर उस टेम्परेचर में से बाकी जो गैसेस हैं उनको हटा देते हैं, इंप्योरिटीज को हटा देते हैं और ऑक्सीजन नाइट्रोजन उसमें से निकाल के इस्तेमाल होता है। और जो हमारा ऑक्सीजन हमें मिलता है वो उसमें एक और एक दो चीजें और डाली हुई होती है, प्लेन ऑक्सीजन नहीं होता है, तो ये सारी उसी टेक्नोलॉजी से हमें मिलती है। तो 162 प्लांट्स की इन्होंने टेंडर फ्लोट किया था 21 अक्टूबर 2020 को, उसमें से आपको बता दूं कि केवल 33 ऑक्सीजन प्लांट बने हुए बताए जा रहे थे कि बन गए, 50 इस महीने के अंत तक तैयार होने थे, 80 अगले महीने मई के अंत तक तैयार होने थे, मगर सच्चाई, ये सरकार झूठ बोलती है, मोदी जी को तो मतलब झूठ बोलने की बीमारी है। मैं समझ सकती हूँ कि उनके पिताजी ने उन्हें घर से क्यों निकाला होगा, झूठ भी तो बहुत बोलते हैं ये, घर माँ बाप भी तो तंग आ जाते हैं, निकाला होगा, पीटा होगा, या भाग गए होंगे, या निकाल दिया होगा, जो भी किया होगा, मतलब बेचारा आदमी, बड़ा मुझे दुख भी होता है कि पूरी जिंदगी बेइज्जत होता रहा, इसीलिए इसने आज हमें भी बेइज्जत कर दिया, देश को बेइज्जत कर दिया। क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपने सुना नहीं कि किस प्रकार से जाके ये बता रहे थे कि हमने तो कोविड की जंग जीत लिया, आपदा में अवसर, अबे आपदा में अवसर तो इन्होंने निकाला कैसे भला, बताइए, पीएम केयर्स फंड, 3 कृषि कानून ले आए भाई, और अभी भी कितने बेशरम कोई हो सकता भाई, आप मुझे ये बताओ कि क्या इस वक्त ये जरूरी नहीं है कि हम अपने किसान भाइयों को कहें कि भैया अपने घर जाओ, उन्हें घर भेजने के लिए मोदी जी को इस वक्त भी शर्म नहीं आ रही है कि सिर्फ इतना सा कहना है कि कानून खारिज करते हैं, हम ये कानून नहीं लाएंगे, आप लोग, मैं हाथ जोड़कर आपसे कहता हूँ आप लोग घर जाइए, मगर ये क्या करेंगे, जब ये दाढ़ी बढ़ाएंगे और सोचेंगे मैं रविंद्रनाथ, नाटकबाज मत बनो ना, एक्टिंग तो कोई भी कर लेता, एक्टिंग सभी कोई कभी ना कभी जिंदगी में करता है, तुम तो एक्टिंग ही करे जा रहे हो, एक्टिंग ही करनी थी तो जाके किसी गुजराती फिल्म में एक्टिंग कर लेते, वहां से हिंदी फिल्मों में भी एक्टिंग मिल जाती की जगह मिल जाती। बस ये है कि अमिताभ बच्चन को पता नहीं पछाड़ पाते या नहीं, मगर सोचते तो होंगे कि अमिताभ बच्चन को भी पछाड़ दूंगा। खैर, अपनी जगह जगह फोटो लगाना बंद करो, देखकर हम तंग आ गए। पीएम केयर्स फंड के बारे में आप लोग पूछ रहे थे, हाँ खानदानी बेशरम है भाई, आप सही कह रहे हैं प्रमोद विशिष्ट जी, ये खानदानी बेशरम है। अनुज सुन ले भाई, अबे चलना तेरे, तू तो सामने आ, अनुज तू सामने आ, तुझे चप्पल निकाल के, इतना तेरे ना चाटे की जगह चप्पल से तेरे गालों पे मारूंगी, चप्पल मारूंगी तेरे गालों पे, इतना मार मारूंगी तुझे कि भूल जाएगा तू ये बकवास करना, देश विरोधी ताकत बताऊं तेरा, तेरा भाजपा एमएलए जो है वो मौत के मुंह में वो भी जा रहे हैं, कांग्रेस वाले भी जा रहे हैं, हर पार्टी वाले जा रहे हैं, समझा,
और वो श्रीवास्तव जी लखनऊ वेस्ट से थे, उन्होंने कहा था जमातियों के लिए भी कहा था। आज पाकिस्तान के भी बुरे हाल है, ये मत सोचिएगा पाकिस्तान के अच्छे हाल है, लेकिन हमारे जैसे बुरे हाल नहीं हो रखे कि पूरी दुनिया में मतलब सोच रहे होंगे लोग कि हमने क्या किया, हमने स्थिति नहीं संभाली, जबकि हम वैक्सीन बना रहे हैं। और वैक्सीन केवल तो आपको मालूम है 1971 में, 1971 में इंदिरा गांधी जी ने पहला काम किया था, जो वो होता है स्मॉल पॉक्स, शायद उसको क्या माता कौन सी छोटी बड़ी कोई माता बोलते हैं, तो जो स्मॉल पॉक्स है उसके लिए वैक्सीन बनवाई, उसके लिए पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम बनाया। और हमारे यहाँ 19 वैक्सीन एक्सपोर्टिंग जो यूनिट्स थे, मतलब कंपनीज थी जो बनाती थी। और आज देखिए, खैर अब इन सब बातों में ना जाके मैं आपको बता दूं कि अब अगर आप टेलीविजन चैनल खोलेंगे तो उसमें कुछ लोग बताएंगे आपको कि अब तो आपके गांव गांव में ऑक्सीजन मिलेगी, कभी नहीं होगी। मतलब ये तो एक और बेशरम है ये, क्योंकि पीएम केयर्स फंड से 551 जिला अस्पतालों में प्लांट लगाए जाएंगे और इसका पैसा आएगा पीएम केयर्स फंड से। अब जब देश में इतनी तेजी से कोरोना बढ़ रहा है, तब और जो ऑक्सीजन के लिए आप जानते हैं कि ऑक्सीजन के कारण, ऑक्सीजन की किल्लत के कारण लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, तो देश के आज की हालत को देखते हुए मतलब प्रधानमंत्री बन तो गए नरेंद्र मोदी, वरना पीएम केयर्स के फंड पर नाग की तरह फन फैलाकर बैठे हुए थे, कह रहे हैं कि देश की जो मौजूदा हालात को देखते हुए मोदी जी ने डिसाइड किया कि पीएम केयर्स फंड में से देश भर के 5 जिलों में 551, मतलब 551 जिलों में, जिला अस्पतालों में पीएसए से जो ऑक्सीजन निकालने का ये पूरा मेथडोलॉजी है, इसके प्लांट लगाए जाएंगे। तो उन्होंने अब ये निर्देश दिए हैं, पर निर्देश तो उन्हीं के आएंगे, प्रधानमंत्री हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि राज्य सरकारें क्या कर रहे थे, तो अब ये कह रहे हैं कि इसको जल्दी जल्दी बनाना चाहिए। ये प्लांट जिला स्तर पर ऑक्सीजन को उपलब्ध कराने के लिए मतलब प्रमुखता से काम करेगा, हर जिला अस्पताल में होगा, तो हर अस्पताल का अपना ऑक्सीजन बनेगा। और पीएमओ के हिसाब से 551 ऑक्सीजन प्लांट्स जो हैं, इनका पैसा पीएम केयर्स फंड से आएगा। तो ये कहा गया है, अब होता क्या है ये आपको और मुझे देखना पड़ेगा, कुछ इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन उम्मीद कर रही हूं कि कहीं ना कहीं अब जो है सरकार सीरियस होएगी और लोगों की जान बचाने के लिए ये काम करेगी। मैं आपको बता दूं कि 27 मार्च 2020 को पीएम केयर्स फंड बना था, आपको याद होगा। और जब फंड बना था तो कोविड-19 को से निपटने के लिए ही पीएम केयर्स फंड बनाया गया था, और इसमें आम लोग अपनी इच्छा के मुताबिक डोनेट कर सकते थे। इसमें 4 सदस्य हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इस फंड को खर्च करने की जिम्मेदारी जो है, यानी कि इन ट्रस्टीज पर है, लेकिन आज तक समझ में ये नहीं आया कि ये पैसा अगर आया तो इस पैसे का इस्तेमाल अभी तक क्यों नहीं करा गया। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रिव्यू मीटिंग भी करी थी पिछले शनिवार को कि कैसे करके बढ़ाया जाए, और फिर वहां पर जब सभी जो डिपार्टमेंट, सभी मिनिस्ट्रीज ने कहा कि ऑक्सीजन और मेडिकल सप्लाई की को उपलब्ध कराने के लिए तालमेल करने करने करना पड़ेगा राज्यों और जो केंद्र हैं उन पर, तब ये फैसला लिया गया कि 3 महीने के लिए ऑक्सीजन से जुड़ी जितनी चीजें हैं, जितने उपकरण हैं, जो टूल्स हैं, उन पर कस्टम ड्यूटी और हेल्थ सेस नहीं लगाया जाएगा। क्या ये पहले नहीं होना चाहिए था? प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्व विभाग को ऐसे जो उपकरण है उनके इंपोर्ट पर भी जल्द से जल्द कस्टम क्लियरेंस देने का निर्देश दिया है, ताकि जल्दी से जल्दी ये काम
में आ सके। उन्होंने ये भी किया है, एक और फैसला लिया था कि कोरोना की जो वैक्सीन है उनके इंपोर्ट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी की 3 महीने के लिए उसको खत्म कर दिया गया है। तो आप इस चीज को समझ लीजिए कि मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए घर में जो लोग हैं या अस्पताल में जो मरीज हैं उनकी देखभाल करने के लिए जो उपकरणों की जरूरत है उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी और जो सेस है वो नहीं लगेगा, मेडिकल सेस। और जिस प्रकार से अब किया गया, काश ये पहले कर दिया गया होता तो 551 डेडिकेटेड प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन मेडिकल ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट लगाए जाएंगे देश के 551 जिला अस्पतालों में। तो उम्मीद यही करा जाएगा कि एक दिन ऐसा हो कि हम लोग इस मुसीबत से निकल आए, मगर ये दिन जल्दी आए इसके लिए प्रार्थना करें। भाजपा अपनी राजनीति करेगी, भाजपा ही अपनी राजनीति करेंगे, लेकिन सरकार पे दबाव बनाते रहिए। कहीं पर भी किसी को मदद की जरूरत हो आगे आइए। देश को फिर से एक करना होगा, क्योंकि मोदी जी को तो जाना होगा, इन्होंने देश को इतना विभाजित कर दिया, आज लोग आपस में लड़ रहे हैं, आज भी इतने बेशर्म है क्योंकि इन्हें इनको इनका धंधा है ये कि इनको ये 2-2 रुपए का जो पैसा मिलता है एक-एक पोस्ट का वो तभी मिलेगा जब ये मोदी जी की वाह-वाह और राहुल गांधी की बुराई करेंगे। राहुल गांधी तो ना प्रधानमंत्री है ना किसी राज्य का मुख्यमंत्री है, तो राहुल गांधी को बोल के क्या फायदा होगा? हम तो सरकार के साथ खड़े होने को तैयार हैं, मगर ये सरकार किसी के साथ खड़े होने को तैयार नहीं। अनपढ़ गवार को अगर बनाओगे प्रधानमंत्री तो ऐसा ही होगा, वो अहंकार में डूबा रहेगा, वो किसी को साथ लेकर नहीं चलेगा क्योंकि वो जानता है कि उसे कुछ नहीं आता, इसलिए वो डरता है कि अगर किसी को भी साथ ले लिया तो सबको सबके सामने उसकी पोल पट्टी खुल जाएगी। क्योंकि आपने देखा ना कि जिस तरह से जब ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा और उसके बाद ये टीवी पे आए, ने शर्म भी नहीं आई, टीवी पे आकर लोगों को कह रहे धैर्य रखो। किस बात का धैर्य रखे? प्रधानमंत्री तुम्हें किसने बनाया? आपको बता दूं कि पीएम केयर्स फंड में अपनी एक गुल्लक को तोड़कर उसमें से 5,000 रुपए निकालकर पीएम केयर फंड को देने वाली बच्ची जो है वो कोरोना संक्रमित है, और वो बच्ची बच्ची नहीं, वो बच्ची जीवित नहीं है। उसकी जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार ये सिस्टम नहीं, इस सिस्टम का आका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। हर उस व्यक्ति की जान जो गई है कोरोना काल में, और हर उस व्यक्ति की आवाज को आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी, हो ना पाएगा, पूरी दुनिया देख रही है, मगर जितने लोगों की मौतें हुई हैं उन सब का खून आपके हाथ पर है, आप जिम्मेदार हैं, आप मौत के सौदागर बन गए हैं। अगर अब भी चाहते हैं तो विपक्ष के लोगों को साथ में लीजिए, पढ़े लिखे लोगों को लीजिए, क्योंकि आपके पास ना तो ना आप सक्षम है, ना आपके पास इतनी इतना ज्ञान है, इतनी नॉलेज है कि आप चीजों को कैसे संभाले। हाँ, आप कहते थे कि गुजरात का मॉडल पूरे देश में लगाएंगे, आपने वो कर दिया, अब बस करिए, अब माफ करिए देश को, अब त्राहिमाम और कितना करवाएंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। रात को नींद नहीं आती, दिन में हो रात में हो एम्बुलेंसेस की आवाजें आती रहती हैं और बेड्स की कमी हो रही है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ कि ये जो काला बाजारी कर रहे हैं इनको भी भगवान कुछ सद्बुद्धि दे। राम के नाम पर आपने राम भरोसे छोड़ दिया, राम नाम सत्य की आवाज को सुन रहे हैं हम, और उसके जिम्मेदार वो हैं जो कहते हैं कि हम बनाएंगे राम मंदिर। ईश्वर खुश नहीं होंगे, भगवान राम भी आपसे खुश नहीं है। जितने लोग भगवान राम में विश्वास करते हैं उनकी मर्यादा को जानते हैं, वो ये जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, पुरुषों में उत्तम राम, मेरे भगवान राम खुश नहीं होंगे, दुखी होंगे। ज्यादा फिर भी नहीं बोल पा रही हूँ, कल आपको और बताऊंगी। कुछ और डिटेल्स आई हैं कि इस संक्रमण से आप कैसे बच सकते हैं और इसके बारे में कुछ नए तथ्य निकल के आए हैं, लेकिन डबल मास्किंग करिए,
मुंह को सील करी। आज मैं सामान लेने जब गई थी तो मैंने मुंह पे डबल मास्क लगाया था, मतलब पूरा मुंह पसीने से गीला हो गया था जब मैं वापस घर पहुंची हूँ। लेकिन बेहतर ये होगा कि आप डबल मास्किंग करिए, अपनी आत्मनिर्भर तो कर दिया था प्रधानमंत्री ने, और प्रधानमंत्री अपनी तस्वीर को कृपा करके कोविड वैक्सीन की सर्टिफिकेट से हटा लो, क्योंकि अब आपके लोग भी कह रहे हैं कि जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, तो फोटो आपकी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका चेहरा दिखते दिखाई देता है यमराज, दिखाई देता है मौत का सौदागर, नहीं देखना, बस करिए, चले जाइए, जहां से आए थे वहीं वापस लौट जाइए, देश को उसके हाल पर छोड़ दीजिए, देश खुद को संभाल लेगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। दोबारा आपसे कल मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद।